वेलकम है आपका लेक्चर 11 में डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और गेट क्वेश्चन, ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो कि हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम मैक्सिमम गेट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ताकि आपको एकदम आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन गेट में आते हैं, कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, इफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू अल्फा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यूज ऑफ अल्फा आर, ऑप्शन ए प्लस माइनस वन, ऑप्शन बी जीरो जीरो, ऑप्शन सी प्लस माइनस जे और ऑप्शन डी प्लस माइनस वन अपॉन टू। ओके, तो गेट 2014 में 1 मार्क में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके जो रूट्स हैं हमारे वो इक्वल रूट्स हैं। ओके, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ नहीं, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन ही है। तो कहने का मतलब क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे उसके जो हम रूट्स निकालते हैं ना वो हमारे दोनों रूट्स बराबर हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको पहले दी हुई है, तो हमको अल्फा की वैल्यू पूछे कि उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए हमको इक्वेशन दी हुई है, तो इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस टू अल्फा एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो क्लास 11 12th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमारे दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो डी वन डी टू। अब देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है डी वन इज इक्वल टू डी टू, यानी कि जो दोनों रूट हैं वो बराबर हैं, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, आपस में इक्वेट कर देंगे। तो पहला रूट हमारा क्या होगा, माइनस टू अल्फा, तो इसका एक बार प्लस ले लेंगे। ओके, एक बार इसका माइनस ले लेंगे, तो प्लस वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस वाला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो दो टर्म्स हमारे इससे मिल रहे हैं, यानी कि दो रूट आएंगे, तो दोनों आपस में बराबर हैं, तो देखिए मैंने दोनों आपस में बराबर पुट कर दिया। ओके, तो अब बिल्कुल आपको मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा ये टर्म बच जाएगा, तो यहाँ से माइनस टू अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके क्या बचा, अंडर रूट फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर। ओके, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो अल्फा की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस वन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, प्लस माइनस वन आपका कौन सा मारा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स थे वो इक्वल बोले हुए थे इस क्वेश्चन में। ओके, आपको सिंपल अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बिल्कुल हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से यूज करके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आपको बिल्कुल केयर करना है कि कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 3y" प्लस 27y ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विद इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड y-0 इज इक्वल टू 2000 देन द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इज डैश। ओके, तो कोई ऑप्शन नहीं थे इसके, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसमें आंसर टाइप करना था। ओके, तो मैकेनिकल गेट 2017 में 2 मार्क में क्वेश्चन आया था। ओके, तो सिंपल बेसिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, तो आपको बहुत ही अच्छे वे में इसको कैरी करके बहुत ही अच्छे वे में आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब तक हमने देखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको कैसे दी हुई थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव के टर्म्स में दी हुई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए नोटेशन आप उस डेरिवेटिव टर्म्स का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म्स में ना लिख के उसने सिर्फ y" x के टर्म्स में लिख दी। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो y" x बता रहा है जो सफिक्स में होता है, मैंने बताया था ये क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो बिल्कुल वरी नहीं करना है कि आपको अगर ऐसे इक्वेशन दे दे तो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। ओके, क्योंकि देखिए एक्स इसमें अंदर दिया है, तो एक्स क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 as it is डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस 27। अब देखिए यहाँ पे वाई ऑफ एक्स दिया है, ये कोई डेरिवेटिव तो टर्म्स है नहीं, एक्स बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27y इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस केस में देखिए सी एफ होने वाला है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या बन जाएगी,
डी अपॉन डी एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल डी से, तो 3d² / 27 = 0। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, +-3i। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए ये रूट्स आपके कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट रूट्स हैं और इमेजनरी रूट्स हैं। तो एक रूट क्या है आपका +3i, दूसरा क्या है -3i, यानी कि इमेजनरी रूट्स हैं और डिफरेंट हैं। ओके, तो ये केस हमारा 3 बन रहा है। तो इस केस में मैंने बताया था सी एफ कैसे लिखते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस माइनस बीटा ही होता था, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ई की पावर 0 क्या होता है भाई, ई की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए मैंने ई का टर्म यहाँ पे मिस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या यहाँ पे वाई, तो वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस बीटा एक्स, तो बीटा की वैल्यू क्या आयोटा का जो होता है 3, ठीक है 3x, प्लस सी टू साइन बीटा एक्स यानी कि 3x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अब इनिशियल कंडीशन दी हुई, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, और फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे आयोटा के टर्म्स भी रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा आई, ठीक है। तो आयोटा का जो कोफिशियंट होता है, यानी कि जो आई का जो कोफिशियंट होता है, वो हमारा पूरा वैल्यू बीटा को डिनोट करता है। ओके, तो ऐसा नहीं यहाँ पे आप कॉस 3i पुट करते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये केयर करना है, तो हम जल्दबाजी में एक गलती कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो आयोटा का जो कोफिशियंट होता है वो होता है बीटा। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए कंडीशन दी हुई है हमको, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो पहली कंडीशन है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए वाई ऑफ 0 यानी कि ये अंदर एक्स की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या 0। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो y 0 पुट करूँगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करूँगा तो cos 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 हो जाएगा 1। ओके, और sin ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो sin 0 क्या होता है 0, तो ये टर्म हमारा पूरा वैनिश हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा सी वन, और यहाँ पे क्या होता है 0, तो सी वन की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, तो पहला हमारा सी वन का वैल्यू निकल गया 0। अब हमको दूसरा इक्वेशन दिया हुआ, तो देखिए दूसरा जो आपको दिया है वो दिया है वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2000, यानी कि डिफरेंशियल के टर्म्स में आपको इनिशियल दी हुई है। तो सीधी बात है आपका जो इक्वेशन ये y है वो आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अब देखिए सिंस हमारा जो y जो c1 का वैल्यू वो 0 आ गया, तो c1 का वैल्यू हमारा 0 आ गया, तो आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो c1 का वैल्यू 0 आ गया, तो भाई ये तो पूरा टर्म 0 होने वाला है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ आप क्या करेंगे इसका करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले कर देंगे बाद में पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट थोड़ा टाइम हमको सेव करना है। C1 का 0 आ गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो y डैश 0 क्या हो जाएगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ ये बचेगा, तो C2। अब साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 3x, और फिर 3x का करेंगे तो 3x का क्या हो जाएगा 3, यानी कि मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इसका। ओके, अब y डैश 0 इक्वल टू 2000 दिया है, तो हम पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y डैश की 2000, तो 2000 मैंने यहाँ पे पुट करा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3c2, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई 2000/3। ओके, अब c1 की वैल्यू आ गई c2 का, कि दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पुट कर दीजिए तो आपको y क्या मिलने वाला है, तो देखिए ये टर्म तो पूरा हट जाएगा क्योंकि c1 हमारा 0 है, तो सिर्फ इससे मिलने वाला है, तो y क्या आ जाएगा 2000/3 sin 3x। ओके, अब ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन पूछा है व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल बात है, जो आपका जो इक्वेशन आपका फाइनली बना है वहाँ पे आप x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे साइन 3 × 1, यानी कि साइन 3, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पुट करा, तो आप इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 94.08, तो ये क्या आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पे मूव कर जाएंगे। ओके,